हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर मैं लौटा हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिसको देखकर आपके मुंह से पानी और दिल में खाने की उमंग और बढ़ जाएगी। तो जी हाँ, तो चलिए हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। तो ये जर्नी होने वाली है खाने पीने वाली और टेस्टिंग की। तो आज मैं आया हूँ एक इवेंट पर जो कि है बावर्ची। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग अभी जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खाने में कौन कौन सी डिशेस है, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और यहाँ इनसे कांटेक्ट कैसा करें और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। तो दोस्तों, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था दिल्ली जायका, जो कि कुर्ला में वाक़ था, तो आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसी के रेफरेंस से मुझे आज ये मौका मिला कोलैबोरेशन का, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसी वीडियो की वजह से। तो सारे मेरे सब्सक्राइबर जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखें, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी डिटेल आपको मिलेगी जो आपके लिए काम आने वाली है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके घर पर कोई पार्टी इवेंट्स या फिर कोई शादी का रिसेप्शन वगैरह होता है तो आप कांटेक्ट ज़रूर करिए, और मैं अपना लिंक इंस्टाग्राम पे आपको दे दूंगा। जो भी जानकारी आपको जानना है आप मुझे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।
तो दोस्तों, अगर आपके घर पे अगर कोई रिसेप्शन है या फिर शादी है या फिर कोई पार्टी या इवेंट्स है तो आप लोग इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी डिटेल मैं आपको जो है इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। तो लिंक में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इन तक कैसे पहुँचे। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, अभी बारी आती है सलाद की, देखते हैं सलाद किस तरह से बनाया गया है और सलाद में क्या क्या चीज़ें। तो ज़रा दिखा दीजिए सलाद में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो ये देखिए, तो सलाद में इसके साथ मायो डिप भी है और चटनी है, और ये सलाद में काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो शुरुआत तो पहले जूस से होती है, उसके बाद फिर सलाद। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ यम्मी यम्मी और टेस्टी डिशेस और बाकी है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा कि अभी हमारा सफ़र जो है वो खाने का है, तो खाने में हम लोग टेस्ट करते हैं कि खाने का स्वाद कैसे है। और इसी के साथ साथ खाने में आप देख सकते हो कि इतने आइटम हैं। ये तो अभी स्टार्टर है, शुरुआत है, मेन कोर्स और जर्नी अभी तो फुल बाकी है। तो चेक करते हैं कि स्टार्टर में इन जो डिशेज़ बनी है उसके नाम क्या है। तो पहला जो डिशेज़ है स्टार्टर में वो है मटन लेबनीस कबाब, जो कि ये वाला है, और दूसरा है लेमन ड्रम स्टिक, जो कि ये वाला है, और तीसरा है चिकन अजवानी टिक्का। तो अब टाइम आता है हमें इसे टेस्ट करने का, और टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है। तो चलिए फिर खाने का सफ़र शुरू करते हैं हम लोग। ये जो है ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी है, और बता दूं कि ये चिकन नहीं मटन है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, और ये इसलिए नहीं कि मैं खा रहा हूँ बल्कि टेस्ट जो है असल वही बता रहा हूँ। तो ये जो खाना जहाँ पे मुझे मौका मिला है इसकी डिटेल मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल खाने के टाइम बातें कम, खाना पहले। और ये जो है लेमन ड्रम स्टिक, और ये थोड़ा क्रीमी टाइप का है आप देख सकते हो, और ये चिकन है क्रीमी टाइप का है, और तीसरा हम लोग ट्राई करते हैं वो है चिकन अजवाइनी टिक्का। थोड़ा अलग है नाम भी, कुछ अजवाइनी अलग लग रहा है, तो टेस्ट करके देखते हैं। और ये काफ़ी स्मूथ भी है, मतलब सॉफ्ट है। मज़ा आ गया, ऐसे डिशेस रोज़ मिले तो क्या बात है। लेकिन खैर, खाने वाले, खाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।